हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम यू ऑल टू नॉलेज हम सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो चलिए दोस्त, हम अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले थे उस टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो ऑलरेडी हम लोग हैं जो कितने क्लास कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग हैं जो 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, और आज जो हमारा है वो कौन सा लेक्चर होने वाला है? वो आपका लेक्चर 8वां होने वाला है, जो आप पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं और इसके इंतज़ार में हैं। चलिए तो हम लोग अपने आज लेक्चर नंबर 8 को शुरू करेंगे, और फिर ये जो लेक्चर नंबर 8 है वही आपके इस टॉपिक का सबसे आखिरी लेक्चर होने वाला है। तो दोस्त, इस आखिरी लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, तो आप लोग का जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल आसानी तरीके से। और जो मैं यदि बात करूँ इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे की यूज़ के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो केवल आपको जो 11th के स्टूडेंट है उन्हीं लोगों के काम देगा। यदि आप 12th में जाते हैं तो जो आपका बहुत सारा चैप्टर है, जैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे हो गया आपका लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, वहाँ आपका यूज होगा। फिर उसके बाद आपका यूज होगा डिफरेंशिएशन में, पूरी तरह से यूज होगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। और फिर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जहाँ पे आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं यहाँ पे उसका यूज़ आने वाला है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इसके साथ ही इसीलिए मैं आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो सबसे पहले पढ़ाया हूँ। और इससे पहले भी हम लोगों ने एक चैप्टर ख़त्म किया था, वो था क्या? वो था लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया था, तो वो उसका भी यूज़ है जो बहुत आपको दिखेगा आगे चल के, क्योंकि उसमें कुछ ग्राफ बनाने की प्रक्रिया आप लोग को बताया गया था लीनियर इनइक्वालिटीज़ में, और इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया गया था। तो उसका भी लिमिट में यूज होगा, उसका भी कंटिन्यूटी में यूज होगा। तो इस तरह से हम लोग अपने जो सफ़र है उसको तय करते रहेंगे। जो चीज़ पहले पढ़ने की आवश्यकता होगी वो चीज़ आप लोग पहले पढ़िएगा, और जो चीज़ बाद में पढ़ने की आवश्यकता होगी वो चीज़ मैं आपको थोड़ी देर बाद बताते रहूँगा। तो जो हम लोग हैं जो अपने सफ़र को इसी प्रकार से तय करते रहेंगे, और अपना सफ़र किसके साथ आप तय कर रहे हैं? इस नॉलेज हम सफ़र के साथ। यहाँ पे ये नॉलेज हम सफ़र है जो आपको हर एक तरह का प्लेटफॉर्म देने वाला है, जहाँ पे आप सीख सकते हैं जो अपने जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास के सभी चीज़ों के बारे में, सभी सब्जेक्ट के बारे में, सभी विषयों के बारे में। और उन लोगों को भी मौका एक देता है जो लोग एज अ टीचर यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ जुड़ सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। जो हमारा मेल आईडी है knowledgehumsafar@gmail.com, वहाँ से मैसेज करके आप है जो वहाँ भी जुड़ सकते हैं एज अ टीचर। चलिए ये तो बात हुई बाहर की, अब हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो है लास्ट लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर यानी हमारा जो अभी चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो एक्सरसाइज है 3, और 3.3 तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था एनसीईआरटी के लगभग सभी क्वेश्चंस को। तो आज हम लोग जो इसके बाद जो मिसलेनियस वाला पार्ट बच जाता है, यानी पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आपको ये जो मिसलेनियस का पार्ट है वो लगभग है ना जो आपका पूरी तरह से कंसेप्चुअल पार्ट होता है। यदि इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका पूरा टॉपिक है जो वो समझिए तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग आज 3.3 तो ऑलरेडी कवर कर रखा था हम लोगों ने, आज अपने मिसलेनियस वाले पार्ट को ख़त्म करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा जाए, लेकिन धैर्यपूर्वक आप देखिए, और मिसलेनियस में लगभग 10 क्वेश्चन है उसको पूरे को ख़त्म करेंगे, और फिर आज इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और नए टॉपिक को शुरू करेंगे। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नंबर वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए 2 cos π/3, यह है जो क्वेश्चन है हमारा 2 cos π/3 इंटू
कॉस 9 पाई बाई, ये 3 नहीं एक्चुअल में 13 है, चलिए ये भी 13 है, कोई बात नहीं, कॉस 3 पाई बाई 13 और उसके बाद प्लस में कॉस 5 पाई बाई 13, ये है जो किसके इक्वल आपको करके दिखाना है, वो 0 के इक्वल करके आप लोग को दिखाना है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है जो आप लोग को सामने दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि चलिए इसको प्रूव कीजिए कि ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को किस प्रकार कीजिएगा वो थोड़ा यहाँ पे समझिए। वैसे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लासेस में, तो आप वहाँ से आसानी से बना सकते हैं। देखिए कुछ ध्यान देने वाली बात है, ये है कि यहाँ पे आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, उस तरह का कुछ टर्म यहाँ पे आ रहा है। जैसे देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, आप है जो देख लीजिए सी माइनस डी बाई 2। तो ये क्या था, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे है जो कुछ क्वेश्चन है जो बेस्ड है या नहीं बेस्ड है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए कॉस सी प्लस कॉस डी, ये जो एक है टर्म कॉस सी कुछ कॉस कॉस डी, चलिए ये तो यहाँ पे बात हुई, और यहाँ पे 2 कॉस पाई बाई 3 प्लस 9 पाई बाई सॉरी 3 नहीं 13 2 कॉस पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 दिया हुआ है। उसके बाद पॉजिटिव में 2 टर्म दिए गए, तो ए वाला और ए वाला ये दोनों को कंसिडर करके हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्टिंग वाला जो टर्म है उसको ऑलरेडी जिस प्रकार से लिखा गया है वो हम लिख देते हैं 2 कॉस पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13, ये तो था ऑलरेडी, इसको छोड़ दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था गुना में था। और फिर इसको अब हम लोग देखते हैं इस वाले फॉर्मूले से कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी सी आपका ये वाला हो गया और डी आपका ये वाला 5 पाई बाई 13 हो गया। चलिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला आता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी 2 कॉस सी हम लोग इसको माने हैं। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे कलर के पेन से आप लोगों को बताता हूँ, सी हम लोग कुछ इसको माने हैं और डी हम लोग कुछ इसको माने हैं। चलिए इसके बाद 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी आपका है 3 पाई बाई 13 प्लस डी कितना है 5 पाई बाई 13 बाई 2। हम लोग ऐसा क्यों लिखें, हम लोग ऐसा इस फॉर्मूले से लिखे हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, ठीक है सी माइनस डी बाई 2, सी आपका कितना है यहाँ से सी तो आपका हो जाएगा यही 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2। देखिए हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से हर एक क्वेश्चन को करते हैं, जैसे हर एक पॉइंट को आप लोगों को बताते हैं कि जो आप यहाँ पे समझ पाइए इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे 2 कॉस पाई बाई 13, इसको उसी प्रकार से हम लोग लिख दे रहे हैं जैसे पहले से लिखा गया है। चलिए और फिर इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे जाके 2 कॉस एलसीएम 13 पहले से है तो ऐड हो जाएगा ऊपर वाला 3 पाई प्लस 5 पाई बाई 2 और ए वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस 13 एलसीएम है 3 पाई माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई 2। ये बात हुई इसके बारे में। अब फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बस हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन करते चले जाना है धैर्यपूर्वक कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस, इस तरह के क्वेश्चन इतने बताने के बाद आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि नहीं छात्रों को परेशानी हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस तरह का क्वेश्चन भी 5 पाई प्लस 3 पाई कितना हो जाएगा 8 पाई,
8 पाई बाई 13, ये जो 2 था वो है जो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा। यदि मैं अच्छा चलिए एक स्टेप मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों को समझने में परेशानी आ जाए। 13 इंटू 2 कर दिया, चलिए, और फिर इंटू, ये तो आप समझ रहे होंगे ना कि ये 2/1 इसको लिख दूँ और उसके बाद फिर 1 है जो सबसे ऊपर चला जाएगा और 2 है जो 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 3π माइनस 5π, यानी माइनस 2π बाई 13 इंटू 2। चलिए यहाँ तक बात हुई इसकी, फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग, बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसको लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या आएगा आंसर ये अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग। 9π/13 प्लस 2 cos आपका हो जाएगा, यहाँ से ये वाला तो 4 से कट जाएगा और ये वाला ऑलरेडी कट गया आपका, तो ये हो गया 2 cos 4π/13 इंटू cos। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जैसे देखिए आप cos माइनस पाई बाई 13 इसको लिख सकते थे ना, cos माइनस पाई बाई 13 ये तो है ऑलरेडी है, लेकिन cos माइनस पाई बाई 13 यानी कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस पाई बाई 13 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव, तो इसमें है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कॉस है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से इसको डायरेक्टली हम लोग cos पाई बाई 13 भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा आप नोट डाउन में करके ध्यान में रखिए, देखिए साइड में मैं लिखा हूँ नोट जैसा, और फिर यहाँ पे डायरेक्टली वही चीज़ लिख देता हूँ, माइनस जो पार्ट था वो यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे इसको पाई बाई 13 आप लोग के सामने लिख दिया। चलिए ये कैसे लिखा इसको, तो ये वाले चीज़ नोट से लिखा, ये तो बात हुई इसकी। अब क्या करेंगे, अब देखिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये जो cos पाई बाई 13 है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी cos पाई बाई 13 है, तो अब हम लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है यहाँ से ये आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आपका हो गया, देखिए कितना, अब हम फॉर्मूला पे आते हैं, कौन से वाले पे, इसमें कुछ आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ गए और फिर यहाँ तक है जो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9π/13, ठीक है, उसके बाद फिर आया आपका 2 cos पाई बाई 13 4π/13 इंटू cos पाई बाई 13। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना तक आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, इसके बाद फिर नीचे जो जगह नहीं बचा है उसके हिसाब से हम लोग फिर ऊपर से थोड़ा सा मिटा के ऊपर वाले पार्ट को फिर से हम लोग सोल्व करेंगे, तब तक इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए और ये जो नोट वाला पार्ट था उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा वक्त देता हूँ इसको, तब तक आप नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आप लोग इतने तक तो नोट डाउन कर लिए होंगे, अब हम लोग आगे देखेंगे। मैं बोला भी कुछ देर पहले कि इसमें आप लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2 cos पाई बाई 13 और यहाँ से भी 2 cos पाई बाई 13, तो करेंगे क्या, तो हम लोग करेंगे क्या कि जो इसको बाहर निकाल लेंगे, 2 cos
5/13 को हम लोग बाहर निकाल लिए और फिर अंदर में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो अंदर में बच जाएगा आपका cos 9π/13 और यहाँ से बच जाएगा आपका +cos 4π/13, कुछ इस प्रकार से बच गया। अब हम लोग फिर से वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे जो चीज़ ऑलरेडी पहले से कर रखा है हम लोगों ने, ये cos c plus cos d, इसको कुछ इस बार फिर से c मान लेंगे, इसको कुछ d मान लेंगे। अब फिर से यही चीज़ अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होने वाला है वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए, ये 2cos π/13 बाहर है। इसके बाद cos c plus cos d, इसका क्या आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2cos c plus d/2। तो 2cos, अब थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग इतना समझ चुके हैं कि थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा धीरे धीरे करके लिख दिया जा रहा है पूरा। c plus d यानी 9π/13 plus 4π/13, 9π/13 plus 4π/13 / 2, ये c था ये d था बाई 2। चलिए, इसके बाद क्या, इंटू cos c minus d/2, तो 9π/13 minus 4π/13 / 2। ठीक है, इतना तक तो आप लोग को बोर्ड विजुअल होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख दिया और बाकी जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मिटा के मैं लिखूंगा। चलिए, इतना तक हो गया और बस इसका कैलकुलेशन हम लोग नीचे कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी रेस्ट बचेंगे उसका कैलकुलेशन हम लोग ऊपर करेंगे। चलिए, तो किसका कैलकुलेशन अब हम लोग करेंगे, ए वाले का। इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ 2cos π/13 इंटू, ये कितना आपका आ जाएगा, एल्स देखिए 2cos, ये आपका एलसीएम 13 हो गया, 9π plus 4π यानी 13π ऑलरेडी आ चुका है आपका, और यहाँ पे 2 होगा इंटू यहाँ पे cos 13 एलसीएम है और फिर आपका ये चीज आपको विजुअल हो पा रही है नहीं ये मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे 2 हो जाएगा और आपका ऊपर हो जाएगा 9π minus 4π = 5π। चलिए, ये चीज़ हो गया, इसके बाद का पार्ट हम लोग ऊपर लिखेंगे। तब तक मैं देख लेता हूँ ये चीज़ आपको बोर्ड में विजिबल है या नहीं, ये मैं अपने कैमरा में थोड़ा देख लेता हूँ। चलिए, जो नीचे का पार्ट था वो आप लोग के लिए विजिबल नहीं है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ऊपर करके दिखाया जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, यही चीज़ के कारण मैं थोड़ा सा रुक रहा था इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए, ये चीज़ तो ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर चुके हैं, इतना चीज़ यदि मैं मिटा दूँ तो बाकी का इतना में मैं सोल्व कर दूंगा आपका। चलिए, मैं जैसा देख पाया ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ था वो पूरा आपका विजिबल था, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद का पार्ट मैं ऊपर बना देता हूँ, इसके बाद का पार्ट ऊपर लिख देता हूँ। चलिए, इसके बाद का पार्ट क्या क्या है, तो 2cos π/13, यहाँ पे 2cos आपका हो जाएगा 13π/13 / 2 इंटू cos कितना, 9π - 4π यानी 5π / 13 और बाई 2। चलिए, ये चीज़ हो गया। अब ये जो नीचे वाला पार्ट था वो हम लोग को मिटा देना चाहिए कहीं, क्योंकि यही सेम चीज़ मैंने ऊपर लिख रखा है, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे मिटा दिया, ये चीज़ आपको विजिबल नहीं था इसमें। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे क्या, ये जो 13 था वो कट गया और ये जो था वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाऊँ तो 2cos π/13
ठीक है, और ये जो हो जाएगा 2 cos, यहाँ से 13 से 13 ऑलरेडी कट चुका है, ए है जो आपका, यदि 1 डिवाइड में करके लिखूँ तो ये नीचे जाने वाला है, 2 cos पाई बाई 2 इंटू कॉस आपका कितना हो जाएगा, 2 वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा, तो 5 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13 कुछ इस प्रकार से है जो आपका सोल्व करके इतना के बाद आया। अब क्या होगा, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में होगा आप लोग को, cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि cos पाई बाई 2 का वैल्यू है जो 0 के बराबर होता है, कितना होता है 0 के बराबर होता है, और यदि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो और कोई एक वैल्यू 0 हो जाए तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि पूरा का पूरा वैल्यू आपका 0 हो गया। ये चीज़ ठीक है आप अभी नहीं जान रहे, ये चीज़ भी आप नहीं जान रहे, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप यदि ये चीज़ तीनों गुना में है मल्टीप्लाई में है और आपका एक पार्ट भी 0 हो जाता है तो पूरा का पूरा है जो यहीं से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि यह है जो कितने किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी और क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा था कि ये जो पूरा वैल्यू है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए 0 के बराबर, तो यहीं से आप लिख सकते हैं। हम लोग कहाँ से चलते हैं, LHS से, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये जो क्वेश्चन है हमारा यहीं पे सोल्व हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट विजिबल नहीं था इसलिए मैं ये चीज़ ऊपर लिखा, ऊपर का क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने मिटा दिया है, बस एक फॉर्मूला मिटाया था और बाकी सब चीज़ है जो आपके बोर्ड के सामने है, तो ये चीज़ नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा देर इस क्वेश्चन में देरी हुआ, वेट हुआ, क्योंकि यदि विजिबल आपको नहीं हो पाते हैं पूरा बोर्ड तो आप समझ नहीं पाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि है जो हम थोड़ा छोटा छोटा लिखें और पूरा बोर्ड में ही हमारा एक ही बोर्ड में क्वेश्चन समाप्त हो जाए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर सकते हैं यदि लाइव क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो। चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या बोला गया है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग से ऑलरेडी हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, उसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपसे होने भी चाहिए, अबाउट टू एंड हमारा ये चैप्टर। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी लगभग कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से कर ले तो बहुत बेहतर है। कुछ क्वेश्चन जो मैं स्किप करूंगा वो आप लोग को HW हो जाएगा, वो क्वेश्चन को आप लोग को खुद से बनाना है, उसका आंसर है जो कमेंट आप लोगों को करना है, क्या आंसर आया आपका, कैसे प्रूफ किया आप लोगों ने। चलिए ये हो गया साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार आ गया, तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो ये चीज़ जो अंदर वाला पार्ट था और एक बाहर का, तो दोनों को हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, तो क्या फ़ायदा होगा वो भी हम लोग देखेंगे। साइन 3x इंटू साइन एक्स, ये वाला पार्ट यहाँ पे है प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि हम लोग को कुछ 0 यहाँ पे लाना है, मतलब इस टर्म को पूरा को छोटा कर देना है, तो छोटा करने के लिए यहाँ से यदि साइन स्क्वायर एक्स आ जा रहा है, यहाँ से आपको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग को कुछ ऐसा आने वाला है कि जो कटकर 1 आ जाए, मतलब जो ऐड होकर 1 आ जाए, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए ये तो प्लस हुआ, वो प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस दे रखा है, फिर कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ से आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद क्या आपका होने वाला है, तो इसके बाद ये जो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स था, हम लोग ये सोच कर किए थे कि ये जो पार्ट है दोनों ऐड होकर कुछ आपका वन आ जाए, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं आया, निगेटिव में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ के बाद भी हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कुछ इस प्रकार से होता था कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यदि लिखूँ तो उसको लिख सकता हूँ कॉस टू एक्स, कुछ इस तरह के फॉर्मूले थे। चलिए तो हम लोग इसका भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या साइन थ्री एक्स इंटू आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन थ्री एक्स और यहाँ पे कॉस थ्री एक्स वाला पार्ट। चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ सही है, कोई परेशानी यहाँ से अब तक नहीं है हम लोग को। तो हम लोग यदि कुछ ऐसा करें, ये चीज़ हमारा ठीक है इतना तक है, उसके बाद इस वाले पार्ट को यदि मैं पहले लिखूं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स, चाहे इसको लिखूं चाहे इसको लिखूं उससे कुछ परेशानी नहीं है, तो ठीक है इसको ही लिख देता हूं। उसके बाद फिर लिख देता हूं किसको, साइन थ्री एक्स इंटू साइन एक्स। सबसे पहले हम लोगों ने ए लिखा, उसके बाद हम लोगों ने ए लिखा सेकंड में, ठीक। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ये जो निगेटिव था ना, एक निगेटिव हम लोग यहाँ से ऑलरेडी ले लेते हैं कॉमन, कॉमन लेने के बाद इसको हम इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इससे क्या फ़ायदा आपको होगा, निगेटिव कॉमन लेने से हम लोग को ये फ़ायदा हुआ कि एक फॉर्मूला पे डायरेक्टली इसको हम लोग कॉस टू एक्स लिख सकते हैं। इसको कॉस टू एक्स लिखने के लिए हम लोग ने किया क्या कि एक निगेटिव पहले से कॉमन ले लिया, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस में, और ये जो था प्लस में साइन स्क्वायर एक्स वो माइनस में हो गया, और इस वाले पार्ट को हम लोग लिख दिए कॉस टू एक्स। चलिए इस वाले पार्ट को हम लोग लिख दिए कॉस टू एक्स। तो यहाँ से हो गया आपका क्या, एक फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जान रखे हैं, क्या जान रखे हैं, एक फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, वो क्या होता है, वो होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये चीज़ मैं आप लोग के सामने क्यों लिखा, आप लोग को सोचने की बात यही आएगी कि ठीक है ये चीज़ हम हैं जो आपके सामने क्यों बताएं, और एक कॉस वाला टर्म था वो आगे क्यों लिखे थे, तो बस इसीलिए लिखे थे ताकि ये जो चीज़ है वो फॉर्मूला पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो देखिए आप लोग देख भी रहे होंगे कॉस ए और कॉस बी, ए यदि मान लूँ इसको, ठीक है यदि बी मान लूँ इसको, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ए कुछ ए हो गया और ए कुछ बी हो गया, ठीक है। ए मैं इसलिए ऐसे ऐसे कर देता हूँ क्योंकि भाई आप ऐसा नहीं समझे कि कॉस थ्री एक्स वही ए है, ठीक है, थ्री एक्स को ए मान लिया, एक्स को बी मान लिया, थ्री एक्स को ए हुआ, एक्स को बी मान, तो ये डायरेक्टली यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो कॉस है ए वाला टर्म ये पूरा यहाँ तक है, देखिए ये जो चीज़ है वही सेम चीज़ यहाँ तक लिखा गया है, इसको डायरेक्टली हम लोग लिख दें कॉस ए माइनस बी, ए आपका है थ्री एक्स और बी आपका है टू एक्स, सॉरी टू एक्स नहीं है एक्स है, और ये जो आपका हो जाएगा वो तो हो जाएगा यहाँ से कितना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से थ्री एक्स माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, आप लोग खुद बताइए, 3x माइनस एक्स है तो डायरेक्टली हम लोग 2x लिख देते हैं, cos 2x माइनस cos 2x। अब देखिए क्या हुआ, अब ये जो दोनों वाला पार्ट था cos 2x आ गया, तो इसका वैल्यू तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, तो यही सेम चीज़ हम लोग को लाना था, जो यही है जो हमारा RHS है, यानी यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस
प्रूव्ड, मतलब ये जो था वो डायरेक्टली मैं इसके बराबर ले आया। देखिए कितने आसानी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। तो ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कंसेप्ट पहले से जान रखे हैं। अब जो ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन है, वो आप लोग लगाइएगा तो बेहतर होगा। उसमें यही सेम चीज़ अप्लाई होगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को करके हम लोग कॉस टू एक्स लाएँ, और उस वाले क्वेश्चन में होगा क्या, हिंट के रूप में मैं आप लोग को थोड़ा बता भी देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको पहले लिख देता हूँ, कॉस एक्स प्लस कॉस बाई का होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें करना क्या है ना कि सबसे पहले इसको करेंगे हिंट के रूप में, यही है कि ये जो पार्ट है स्क्वायर वाला उसको तोड़ देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाले पार्ट को तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ से बहुत सारा पार्ट है जो आपका बहुत छोटे में कॉम्पैक्ट हो जाएगा, वहाँ कॉम्पैक्ट होने के बाद वो आपको डायरेक्टली इस तरह से यहाँ लेकर चला जाएगा आपको इस फॉर्मूले की ओर, इस ये जो पार्ट है यहाँ तक, तो वहाँ से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन का हिंट यहाँ पे दे दिया जा रहा है और उस क्वेश्चन को आप लोग को खुद से सोल्व करना है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है वो भी कुछ इस प्रकार का है। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं आप खुद से करेंगे तो बहुत ही आपके लिए बेहतर यहाँ पे होने वाला है। तो यदि ये सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को सोल्व करके दिखा दूँ तो आपको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं मैथ में तो सक्सेस 0। आप कंसेप्ट जान रहे हैं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो कंसेप्ट भी आप भूल जाइएगा। तो ये सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी, वो भी इसी प्रकार से होगा, वही वो भी बस आपका दिया हुआ है क्वेश्चन इसी तरह से। देखिए क्वेश्चन मैं आप लोग को लिख कर जरूर बता दूंगा कि कैसे आप लोग कीजिएगा हिंट के रूप में, तो एकदम लगभग सेम क्वेश्चन है आपका ये चीज। चलिए ये था, उसमें भी यही करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे इसको फिर से तोड़ेंगे, फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बाई, और जो आपका कॉस जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना उस वाले फॉर्मूले पे तोड़ेंगे, उसके बाद फिर है जो आपका इसका भी सॉल्यूशन इतना आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन है जो आप लोग को खुद से करने हैं, कुछ क्वेश्चन है जो तो बहुत ही सही होने वाला है आप लोग के साथ। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा और हो जाएंगे भी आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंसेप्ट जान रखा है और आपको हिंट भी बता दिया गया है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। आप लोग को इसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन आखिरी में सोल्व करके हम लोग आसानी से इसका सॉल्यूशन ला पा रहे हैं। और ये जो है किसके बराबर है, 4 cos x into cos 2x into sin 4x। चलिए तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करेंगे। हम लोग एक ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला जान रखे हैं साइन ए प्लस साइन बी का, वो होता क्या है, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। चलिए ये तो फॉर्मूला हुआ आपका साइन ए प्लस साइन बी का। अब क्या करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। अब किसको किसको साथ में लेके चलेंगे ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। तो यदि हम साइन एक्स को और साइन 5x को एक साथ लेके चलें, ठीक है, और उसके बाद साइन
3x को और साइन 7x को एक साथ लेके चले तो हम लोग यहाँ पे आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड करेंगे ना, 7x प्लस 3x बाई 2 तो 5x आएगा, मतलब कुछ कॉमन टाइप का हम लोग को मिलते चला जाएगा यहाँ से। तो करते भी वही हैं हम लोग, इसको साथ पहले लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस साइन 5x, ये हो गया एक साथ, प्लस में साइन 3x प्लस साइन 7x आपका हो गया एक साथ। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे तो अपने फॉर्मूला से बढ़ेंगे। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस बी बाई 2, ए कितना है आपका x, b कितना है 5x, x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, एक्स माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके बाद फिर इस वाले में वही सेम चीज, 2 साइन a प्लस बी बाई 2, 3x प्लस 7x बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, ये कितना है आपका 3x माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2। चलिए कुछ इस प्रकार से है जो हमारा हो गया ये चीज। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या बढ़ेंगे देखिए, सॉल्व इसको करेंगे, 2 साइन 6x डिवाइडेड बाई 2 यानी 3x। थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे x माइनस 5x, x माइनस 5x क्या होता है माइनस 4x, माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x, यहाँ से लिख सकते हैं cos माइनस 2x। फिर उसके बाद 2 साइन 3x प्लस 7x 10x, 10x डिवाइडेड बाई 2 यानी 5x। चलिए ये हो गया इंटू कॉस 3x माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 4x, माइनस 4x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2x। चलिए ये हो गया आपका इतना। अब कॉमन आप लोग को भी कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट है जो आप लोग को कॉमन दिख रहा है, यही चलते हम लोग किए क्या थे, इसको साथ में लिए थे और इसको साथ में लिए थे, ठीक। और फिर दूसरी बातें ये आपकी हुई, अच्छा ठीक है, वो चीज़ मैं आगे लिखूँगा। 2 cos माइनस 2x कॉमन निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका sin 3x प्लस sin 5x। अब इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा वो चीज़ हम लोग निकालेंगे। देखिए ये चीज़ मैं आप लोग को बाद में बताने के लिए बोला था, वही कंसेप्ट वाला cos माइनस थीटा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस माइनस 2x फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 cos 2x, इसको लिख दिए, जो माइनस वाला पार्ट था उसको डायरेक्टली यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे फिर से आ गया आपका साइन कितना a प्लस साइन b, ये डिवाइड में नहीं है, ये कुछ ए इसको माने इसको कुछ बी माने, तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 2 साइन वही जो चीज़ पहले लिख चुके हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ए कितना है आपका 3x प्लस 5x है उसके बाद 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ए यानी 3x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लिए, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 cos 2x, ठीक है। उसके बाद ए हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस 5x 8x, 8x बाई 2 4x, 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू कितना, माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1। चलिए ठीक है ना, यहाँ तक बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, अब फिर वही बात, ये जो ये वाला फंडा था जो 2 cos माइनस 2x था उसको डायरेक्टली हम लोग 2x लिख दिए, हम पॉजिटिव में कर दें, वो इसलिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, वही चीज़ यहाँ पे भी आया है, ये अंदर में है इस तरह से, इसको भी डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देते हैं। देखिए 2
कॉस 2x जो कि बाहर था, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में अब सब आपका आ गया कितना इंटू 2 साइन 4x, ठीक है, इंटू कॉस x। चलिए इतना तक तो आपका आ गया। अब क्या करना है, अब तो लगभग हम आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। देखिए कॉस x, कॉस x, साइन 4x, साइन 4x, कॉस 2x, कॉस 2x, हम लोग अब आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। वो किस प्रकार से वो देख लीजिए, थोड़ा 2 वाला दो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 को और इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 4। अब आंसर के हिसाब से हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे 4 इंटू कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स था, इसको ख़त्म किए, कॉस एक्स लिखे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, कॉस 2x, कॉस 2x है यहाँ पे या नहीं है ये देखेंगे डायरेक्टली, ये ऐसा नहीं कि यहाँ से देख कर लिख देंगे, कॉस 2x इसको लिख दिए, उसके बाद जो बचा आपका a इंटू में साइन 4x, हमारा जो आंसर था यहीं से क्लियर हो गया, यही जो है वो RHS है। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS और है जो हमारा ये प्रूफ हो गया, क्वेश्चन है जो हमारा आसानी से, बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व हो गया। यहाँ से हम लोग इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला था हमें वो याद था, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होने के बाद दो जगह ये फॉर्मूला अप्लाई किए, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, दो जगह और फिर तीसरा जगह यहाँ, बस हमारा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी बन के तैयार हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और इसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर हमारा जो है पूरा टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा बग देता हूँ, एक मिनट के आसपास लगभग इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब तक नोट डाउन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि है जो वीडियो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है आपका ये, और हम लोग लगभग कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे और फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को भी समाप्त करेंगे और फिर से बढ़ेंगे एक नए टॉपिक की ओर, नए जोश, नए ऊर्जा के साथ। तो देखिए जो हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्वेश्चन नंबर में क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। वो जो 6 क्वेश्चन नंबर है वो भी कुछ इस प्रकार का ही आपका क्वेश्चन है। जैसे देखिए साइन 7x, ये चीज़ आप लोगों को खुद से करना होगा, मैं यहाँ पे केवल हिंट दे देता हूँ लगभग सभी क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पे कॉस 7x प्लस कॉस 5x, इसके बाद हो गया ये जो इस प्रकार से कुछ है क्वेश्चन, तो चलिए ये हो गया साइन एक्स प्लस साइन 3x। अब जितना देर में मैं आप लोग को हिंट देता हूँ उतना देर में मैं आप लोग को सोल्व करके भी बता दूँ, लेकिन यदि मैं वो क्वेश्चन सोल्व करके आपको दे दूँ तो फिर आपका क्या मेहनत रह जाएगा। इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है जो आपका दिया गया है, तो क्या कीजिएगा इसमें। तो हिंट के रूप में आप यही कर सकते हैं, मैं यही बता सकता हूँ हिंट के रूप में कि आप क्या क्या कीजिएगा। तो देखिए कुछ साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, उसी तरह से कॉस ए प्लस कॉस बी यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, वही सेम चीज़ यहाँ भी साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस ए बी, इसको फॉर्मूला को पूरे को लगाएंगे, पूरे को लिखेंगे, उसके बाद फिर इक्वेट कर देंगे, तो वो है जो ऑलरेडी टेन सिक्सेस के इक्वलेंट आ जाएगा। चलिए ये तो आपका आपके लिए हिंट हुआ, क्या क्या यूज करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला और कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज़ करने वाले हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको जो 21 फॉर्मूले थे वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ यदि आप लगाइएगा तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाने वाला है, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। और कुछ इस प्रकार का ही है जो आपका क्वेश्चन नंबर 7, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x,
इज इक्वल टू 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस 3xy2। ये जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और हिंट के रूप में कुछ लिख रहा हूँ। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद से करने हैं। तो इसमें क्या क्या करने हैं, इसमें फॉर्मूला आपको वही सेम चीज़ अप्लाई कीजिएगा। क्या अप्लाई कीजिएगा, ये जो फॉर्मूला था साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a, यही बेस्ड पे ये चीज़ आपका टूटेगा और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन आएगा। उसके साथ साथ क्या यूज होगा, तो साइन ए प्लस साइन बी। इस तरह से इसको सोल्व करके हम लोग इसको किसके बराबर ले आएंगे, 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 3x बाई 2, यहाँ पे भी x बाई 2 है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह से सोल्व हो जाएंगे जो हिंट मैं बता दिया हूँ उससे। फिर हम अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी बड़ा जा रहा है आपका, इसलिए कुछ क्वेश्चन को आपको स्किप किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। हम लोग अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है मैंने कुछ देर पहले बोला था कि इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है, यानी 10 क्वेश्चन ही ऑलरेडी आपके दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो वो जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर और 10 नंबर लगभग एक ही कंसेप्ट के हैं। यदि उनमें से कोई एक भी क्वेश्चन आप जान लेते हैं तो बाकी जो बचे 3 हैं, बाकी जो बचे 2 हैं वो आपके सोल्व हो जाएंगे। तो हम लोग अपने 8 क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन देखेंगे और उसके बाद फिर बाकी बचे रेस्ट क्वेश्चन को खुद से करेंगे। ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। अरे कुछ थोड़ा बड़ा जाने वाला है क्वेश्चन, आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपका टेन एक्स दिया हुआ है -4/3 और बोला गया है एक्स है जो इन क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड। चलिए एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट लिखे या एक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड, यहाँ पे इंग्लिश का कोई महत्व यहाँ पे नहीं ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि हम लोग अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और निकालना क्या क्या है वो देखिए, फाइंड साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू और इसके साथ टेन एक्स बाई टू, ये तीन चीज़ आपको निकालने हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर ये जो है जो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होगा जब इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है सबसे स्टार्टिंग में, एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका क्या मतलब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट वाला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है और फिर से 360 होता है। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180 के बीच में, जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। चलिए ये हो गया किसके लिए, x के लिए, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे एक्स वाई टू के बारे में। तो करेंगे क्या, डिवाइड कर देंगे, मान लिया जाए डिवाइड कर देते हैं इसको, एक्स बाई टू कर देते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और ये आपका 90 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसको एक्स बाई टू कर दिया तो ये जो 90/2 45 हो गया, 180/2 90 हो गया। चलिए ये चीज़ आ गया आपका, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो एक्स बाई टू 45 और 90 के बीच में है। 45 और 90 आपका कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक कुछ, ठीक है 90 यहाँ, यहाँ है जो जो सभी टर्म हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पॉजिटिव होते हैं। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि बिटवीन 45 डिग्री एंड 90 डिग्री क्या क्या निकालना था, साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू एंड टेन एक्स वाई टू, ये क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं सब, ऑल आर पॉजिटिव। चलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ऑल आर पॉजिटिव। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर, इतना तो हम लोग यहाँ से लिख लिए। अब दिया क्या गया उसके बारे में देखेंगे। दिया गया है tan x है जो होता है -4/3,
तो टेन एक्स माइनस फोर बाई थ्री होता है, ये तो सही बात है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, क्या जानते थे, देखिए sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जानते थे ना ये चीज़। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे हम लोग ये चीज़ बाकी जो रेस्ट चीज़ है वो निकालने वाले हैं यहाँ से। चलिए sec स्क्वायर एक्स है जो इतना होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर, तो लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स कितना है माइनस फोर बाई थ्री इसका स्क्वायर, यानी कितना आपका यहाँ से हो जाएगा वन प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई नाइन, यानी फिर से एलसीएम नाइन, सोलह नौ प्लस पच्चीस, पच्चीस बटे नौ, पच्चीस बटे नौ आपका क्या हो गया यहाँ से sec स्क्वायर एक्स। यदि फिर sec एक्स की बात करूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले sec स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, पच्चीस बटे नौ, इसीलिए sec एक्स है जो आपका हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट होगा, समझ रहे हैं आप, तो प्लस माइनस फाइव बाई थ्री। अब बात आती है इसके ये जो था ये टर्म इसके बारे में, जो सेकंड क्वाड्रेंट दिया गया था वो किस लिए दिया गया था, सेकंड क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट और सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो sec x है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव वाला पार्ट यहाँ से लेंगे, इन सेकंड क्वाड्रेंट जो आपका sec x है वो निगेटिव होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से sec x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, sec x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री, ये वाला वैल्यू हम लोग लेंगे। यदि sec x माइनस फाइव बाई एक, यदि sec x आपका आ गया है माइनस फाइव बाई थ्री, तो यहाँ से cos x क्या आ जाएगा, यहाँ से cos x आपका आ जाएगा, cos x है जो जस्ट अपोजिट ऑफ sec x होता है, तो माइनस थ्री बाई फाइव यहाँ से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए ये तो बात हुई किसके लिए, sec x के लिए, तो माइनस थ्री बाई फाइव हम लोग यहाँ से लिख लिए, cos x का वैल्यू आ गया हमारा माइनस थ्री बाई फाइव। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग को निकालना है एक्चुअल में क्या है, तो हम लोग को निकालना है cos x बाई टू, cos x से हमें मतलब ज़्यादा नहीं है, हमें cos x बाई टू निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जान रखे हैं, क्या cos x जो होता है वो होता है टू cos स्क्वायर x बाई टू, ठीक है माइनस वन, ये चीज़ आ गया, और यहाँ से क्या है cos x है जो माइनस थ्री बाई फाइव के इक्वल है, इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर x बाई टू, चलिए टू cos स्क्वायर x बाई टू, और ये जो पार्ट था माइनस वन वो इस साइड जाके प्लस वन आपका हो जाएगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे अभी ऑलरेडी इसको माइनस वन रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कुछ लिखते हैं उसको, तो करते क्या हैं यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये जो था माइनस थ्री बाई फाइव, वन को उस साइड ले गए, तो वन माइनस थ्री बाई फाइव, उसके बाद फिर इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री बाई फाइव है तो ये कितना हो जाएगा फाइव माइनस थ्री बाई फाइव, यानी आपका टू बाई फाइव, तो टू बाई फाइव हो गया, ये तो ए वाला को सोल्व किए तो ठीक है, और फिर ये जो टू था उसको भी यदि यहाँ ले जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका, अच्छा चलिए टू को यहीं रहने दीजिए, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये टू से टू है जो कैंसिल आउट हो गया, यानी बच गया आपका कितना, यहाँ से आप देख रहे हैं तो बच गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन बाई फाइव, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है जो आपका वन बाई फाइव बच गया, लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है जो बच गया वन बाई फाइव। अब कॉस एक्स बाई टू के बारे में जानेंगे तो वो कितना बच जाएगा, ये चीज़ में फिर से अब ऊपर लिखने जा रहा हूँ, अच्छा चलिए ये चीज़ छोटा पार्ट है इसको हम यहीं पे सोल्व कर देंगे, तो कॉस एक्स यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, स्क्वायर रूट ऑफ
वन बटे फाइव स्क्वायर रूट ऑफ वन बटे फाइव, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से वन बाई रूट फाइव, या तो और क्या लिख सकते हैं रूट फाइव बाई फाइव। चलिए इसका वैल्यू कितना आ गया आपका रूट फाइव बाई फाइव। ये चीज़ तो आपको विजुअल होने चाहिए इस साइड। कॉस एक्स मेरा आ गया कितना रूट फाइव बाई फाइव, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर कि कॉस एक्स मेरा जो है यहाँ से आ गया रूट फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। एक चीज हम निकाल चुके हैं, बाकी और जो जो चीज़ निकालना है ये चीज़ निकल गया मेरा, ए और ए बचा हुआ है, तो बाकी जो रेस्ट है वो भी निकालेंगे। इसको तब तक आप नोट डाउन कीजिए इस पार्ट को, वीडियो को रोक कर, फिर मैं ए वाले नीचे वाले पार्ट को मिटाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ वाले टर्म से मिटाना शुरू करता हूँ, नहीं तो जो रेस्ट जगह है वहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए ये चीज़ तो आप खुद से लिख चुके हैं पहले, चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए कि कॉस आपका एक्स है जो आ गया यहाँ से कितना, जो आपका कॉस एक्स था वो आ गया रूट फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। हम लोग को जो बाकी बचे हैं बाकी उसको हम निकालना है हम लोग को, तो हम लोग अब क्या जानते हैं कुछ फॉर्मूला जान रहे हैं उससे अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए ये पार्ट ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है, ऐसा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो फिर ये भी इससे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, वो भी वन के बराबर होगा। इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग अभी कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ से लिखे थे, क्या था हमारा कॉस स्क्वायर सॉरी एक्स बाई टू का वैल्यू है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का वैल्यू आपका क्या आया था वन बाई फाइव, तभी तो हम लोग किए थे ना स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई फाइव, तो इसका वैल्यू यहाँ से वन बाई फाइव आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन बाई फाइव इज इक्वल टू वन। ठीक है, हम लोग अभी निकाले थे किसका वैल्यू, हमारा जो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का वैल्यू था वो था कुछ एरर आ रहे हैं आपके कुछ आंसर्स में, वो इस प्रकार आ रहे हैं, जैसे देखिए चलिए हम लोग सही किए कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, हमारा जो सब कुछ कैलकुलेशन है वो लगभग सही जा रहा है। इसके बाद फिर हमारा आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई फाइव। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू फोर बाई फाइव। ठीक है, यदि मैं फिर से इसको स्क्वायर रूट करूँ साइन एक्स बाई टू केवल लिखूं, वो आ जाएगा फोर बाई फाइव, यानी आपका टू डिवाइडेड बाई रूट फाइव, कुछ इस तरह का है जो आपका इसमें वैल्यू आ जाएगा। चलिए तो ये आ गया कितना साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू क्या आ गया आपका टू रूट फाइव। ये चीज़ तो यहाँ तक हुई, साइन एक्स बाई टू आ गया हमारा यहाँ पे, कॉस एक्स बाई टू आ गया यहाँ पे, अब हम लोग को निकालना क्या है, एक रेस्ट जो बचा है वो है टेन एक्स बाई टू। तो यदि टेन एक्स बाई टू निकालने की बात आती है तो वो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब लिखते हैं तब टू बाई रूट फाइव, ये क्या है साइन एक्स बाई टू, फिर कॉस एक्स बाई टू लिखना है हमको कॉस एक्स बाई टू, तो ये कॉस एक्स वाई टू क्या यहाँ से लिख सकते हैं, ये तो हम इसको भी इतना तो भी लिख सकते हैं ना,
वन बाय रूट फाइव। चलिए ये तो इधर की बात हुई अलग। चलिए ये हम जो लिखे हैं वो इसको लिखे हैं, तो लिख सकते हैं यहां से वन बाई रूट फाइव। ये जो था रूट फाइव वो रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका क्या बच जाएगा यहां से, यदि जो रूट फाइव कैंसिल हुआ तो आपका बच गया टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टू। तो हम लोग देखिए तीनों चीज निकाल लिए यहां से, एक हुआ हमारा टेन एक्स बाई टू यहाँ, एक हुआ हमारा ये वाला पार्ट साइन एक्स बाई टू और एक हुआ कॉस एक्स बाई टू। तो जो तीनों था वो हम लोग यहाँ से निकाल लिए, यही जो था इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालने के लिए बोला गया था और इसका आंसर भी हम लोग को मैच कर रहा है, टू आ रहा है। चलिए तो ठीक है, जो हमारा ये चैप्टर था पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर आगे दो क्वेश्चन आपको और हैं, नाइन्थ और टेंथ, तो बिल्कुल यही है, उसमें कुछ अलग दिया नहीं गया है, बस यही निकालना फाइंड साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू। उसमें क्या दे दिया गया है, उसमें कॉस एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया है आपका माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी है, उसमें साइन एक्स का कुछ वैल्यू दे दिया गया और बाकी बचे तीन टर्म निकालने हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग है जो उस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, वो जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिल जाते हैं। तो ये जो सफ़र था यहीं पे आपका इस टॉपिक के लिए समाप्त होता है, लेकिन पूरा का पूरा हमारा जो ये सफ़र वो ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म कर लिए यहाँ से, अब हम लोग जानेंगे कि क्या हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। चलिए गर्मी भी काफ़ी है, कोई बात नहीं, अब हम लोग जानेंगे क्या ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सफ़र था वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे सफ़र की ओर बढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा सफ़र है वो क्या होने वाला है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिए, उससे पहले क्या क्या कंप्लीट किए, उससे पहले लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटीज कंप्लीट किया, पहला ये कंप्लीट किया, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट किया। तो ठीक है, ये दो चीज तो 11th वाले पार्ट थे, लेकिन जो आने वाले पार्ट हैं वो दोनों के लिए हैं जो कॉमन हो जाता है आपको, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखिए आने वाला पार्ट जो हमारा है वो है लिमिट, ठीक है, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन। तो ये जो पार्ट हैं वो 11th वालों के लिए भी 12th वालों के लिए भी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जो रेस्ट बचे लोग हैं जैसे कुछ JEE के लोग पढ़ रहे होंगे या तो कुछ जो होंगे नेवी से रिलेटेड लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ है जो एयरफोर्स से रिलेटेड पढ़ रहे होंगे, वो सबके लिए ये चीज़ कंसेप्चुअल हो जाते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं। तो ठीक है, आगे हम लोग यही शुरू करने वाले हैं, लिमिट डिफ्रेंसिएशन। तो ये कॉमन पार्ट है 11th और 12th दोनों के लिए। तो आप लोग से उम्मीद करूँगा, आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो हैं वो दोनों 11th वाले भी 12th वाले भी दोनों एक ही साथ में कवर कर दूं, ताकि आप लोग को भी कोई परेशानी नहीं हो, ऊपर वाला भी पार्ट पढ़ लें, यदि 11th में पढ़ रहे हैं तो 12th का थोड़ा सा भाग भी आप लोग समझ लीजिएगा, यदि आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है लिमिट और डिफ्रेंसिएशन वो मैं एक ही साथ लेकर पैरेलल में दोनों को चलाऊंगा, चाहे वो आप 11th में पढ़ रहे होंगे या तो 12th में, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये मेरा वादा है, एक इसका वादा है, नॉलेज हम सफर का वादा है। कौन सा सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा, उसका वादा है। तो आखिरी में मैं यही बोलूँगा, जो हमारा नॉलेज हम सफ़र यूट्यूब चैनल है वो एक लंबा बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरने वाला है, वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं और कुछ लोग पढ़ा भी सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं कहाँ से, वो जाकर knowledgehumsafar@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, वहाँ से आप है जो अपनी बात बता सकते हैं कि हाँ मैं एज अ ट्यूटर पढ़ाना चाहता हूँ, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं हमसे, और जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगा, ये जो नॉलेज हम सफ़र है उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो लेक्चर हैं उनको लाइक कीजिए, और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो ख़त्म होता है पूरे के पूरे आपके 8 लेक्चर में। चलिए तो थैंक यू दोस्त, जय हिंद, फिर से मिलेंगे नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।